हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी रिटन बाय निसीम इज़िकियल। सो पोएट कह रहे हैं, देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफ्टन गो, यानी एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाता रहता हूं, नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय अ फ्लो, और वहां जाने के लिए मैं किसी तरह की प्लानिंग नहीं करता और वहाँ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस एक बहाव की तरह मैं ना वहाँ पहुँच जाता हूँ बिना किसी कंट्रोल के। अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस टू अ कोल्ड ल्यूसिडिटी हुज विल इज अनकंट्रोल्ड। और ये जो जगह है ना, ये सारे लिविंग नेचर्स से बहुत ही ज़्यादा दूर है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है और बहुत ज़्यादा शांति है, और यहाँ जाने की हमारी जो विल होती है तो उस पर ना हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, यानी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता वहाँ जाने से। अब ये जगह कौन सी है, तो ये है हमारी इमेजिनेशन की दुनिया। पोएट यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो हमारी इमेजिनेशन है तो ये इस नेचर से, लिविंग वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा दूर है, हमारे मन में कहीं छिपी हुई है, और अक्सर हम लोग ना सोचते सोचते इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, और ऐसा करने पे हमारा खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हियर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। फ्रेंड्स, ये जो मिल्स ऑफ गॉड है उसको ना हमारे माइंड को कहा गया है इस पोयम में। जो गॉड के मिल्स हैं, यानी जो हमारा माइंड है, तो उसमें ना हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिनेशन, कुछ फीलिंग्स, सोच आती रहती है, और ये ना कभी भी शांत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के बाद आपकी जो इमेजिनेशन है वो धीमी हो जाएगी या आप कम सोचेंगे, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारे मिल्स ऑफ गॉड हैं, यानी जो हमारा ब्रेन है, वो ना लगातार सोचता रहता है, तो इसलिए हम लोग ना अक्सर इस जगह को विजिट करते रहते हैं। द लैंडस्केप इन इट्स जूलॉजिकल प्राइम। इस इमेजिनेशन की जो जगह है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, मतलब यहाँ पर जो पहाड़ होंगे या कैसी यहाँ पर ज़मीन होगी या कैसे पेड़ पौधे होंगे, तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, डिजॉल्व टू शो इट्स क्विंट टेसेंटियल स्लाइम। ये सारी चीज़ें आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, यानी हमारी जो इमेजिनेशन है वो अंत में ना घुल मिल जाती हैं और वो एक कीचड़ की तरह रह जाती है, और उसे ना हम लोग किसी भी तरह का रूप दे देते हैं। जैसी हम सोच रखते हैं वैसी हमारी इमेजिनेशन हो जाती है। अ मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट। एक मिलियन स्टार जलते हैं और वो बुझ जाते हैं। उतने सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं और उतनी ही जल्दी वो सब खो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार में एक ही तरह की सोच रखते हैं, हम अक्सर एक साथ कई तरह की चीज़ें भी सोच लेते हैं। आई थिंक ऑफ ईच हिस्टोरिक पैशन एज अ ब्लिंक दैट हैपेंड टू द सैड आई ऑफ टाइम। और साथ ही जितनी भी हिस्टोरिक पैशन थी, जितनी भी चीज़ें जो हमारे पास में थी और जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो ना सारी चीज़ें हम लोग को याद आती हैं किस तरह वो समय के साथ अचानक से बीत गई। बट रेसिड्यूज ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। जब हम किसी चीज़ की जानकारी पाते हैं और हम उसके बारे में जानने की सब कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान लें। कुछ ना कुछ ऐसी बातें छूट जाती हैं जो हम लोग को मालूम नहीं चलता। As dark as myths meandered through the pain। और ये हमारे लिए कैसे हो जाते हैं, मान लीजिए कभी कोई हम लोग को कहता है ना कि ऐसा होगा, ऐसा वो होगा, ऐसा ये इस तरह से होगा, तो ऐसा ना कुछ भी नहीं हो पाता है और ऐसी बातें हम लोग प्रूफ भी नहीं कर पाते हैं, और ये हमारे लिए एक ना दर्द की तरह है, क्योंकि हम लोग ना सच्चाई को जानना चाहते हैं और हम उस सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते हैं। टूवर्ड्स अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट। और ये जो सब कुछ है
तो ये हमें ले जाता है एक लाइट की तरफ, यानी सच्चाई की तरफ। जो फाइनल आंसर होता है तो ये हम लोग को उसकी तरफ लेकर जाता है। लेकिन हम लोग वहाँ कब पहुँच पाते हैं? जब हम लोग को इन सभी सवालों का जवाब पता होता और हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से समझ पाते। आई डू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ऑफ साइट। मैं भी इस सच्चाई को, इस क्लैरिटी को रिजेक्ट करता हूँ। मैं भी इस बात को मानने से मना कर देता हूँ कि जो तुम मीनिंग बता रहे हो वो सही है। क्यों? क्योंकि मुझे ना उसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। What cannot be explained, do not explain। जिस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझाया जा सकता उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। यानी थोड़ी जानकारी, अधूरी जानकारी, गलत जानकारी, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें ना पूरा सच जानना है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमें ये कोशिश नहीं करनी है। द मुंडेन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस सिंग्स इट्स ओन इंटरप्रिटेक्शंस। यानी पोएट्री जो होता है वो एज अ सॉन्ग होता है, और वो जब इंसान इस पोएट्री को सुनता है तो वो इंजॉय करता है। तो ये जो हमारी सिंपल लैंग्वेज है, तो ये क्या करती है? ये हमारे इंटरप्रिटेशन को, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स को बयां करती है। हम अपनी पोएट्री के थ्रू अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्चू ऑफ देयर कॉमननेस। ऐसे हम लोग शायद से इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, वो अपनी इस कॉमननेस की क्वालिटी के कारण, उनकी जो वर्चू है वो बहुत कॉमन है। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर निकेटनेस दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट्स ब्रिंग्स। अगर उनके लिए किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट किया जाता है तो प्रूफ करने की कोशिश की जाती है, ये जो सच्चाई है इसे बाहर लाने की कोशिश की जाती है, तो क्या होता है, उनकी जो कॉमननेस है वो ना कहीं मर जाती है। यानी हमें जो भी कॉमन चीज़ें हैं, जो हमें पसंद है और जिससे हम प्यार करते हैं, वो हमें सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि हमारा ना उनसे ह्यूमन अटैच्ड है। मगर जैसे ही हम लोग उन्हें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे का जो रीज़न है उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो वो जो अटैचमेंट और जो केयर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और मर जाता है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम ख़त्म होती है। सो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।